हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल के बागानी फसलों के चाय एवं रबर के बारे में। ठीक है, बागानी फसलें कौन कौन सी हैं भैया? कॉफ़ी एवं कहवा जो हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो, अगर आपने हमारी नहीं देखी है तो कॉफ़ी एवं कहवा के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। ठीक है, और चाय एवं रबर, ठीक है, चाय एवं रबर के बारे में आज पढ़ेंगे, ये भी बागानी फसलें हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, GIC लेक्चरर में भी पूछे गए हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, UPSC में, PCS में, ठीक है, और UPSC में, और अनदर कंपटीशन एग्जाम में, लेकिन अधिकतर जो है कॉफ़ी एवं कहवा, चाय एवं रबर में जो है देखा जाए तो सिविल सर्विसेज में जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो है सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी चाय एवं रबर के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं चाय एवं रबर के बारे में। तो पहले हम चाय के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद रबर के बारे में। ठीक है, चाय भारत की सबसे महत्वपूर्ण बागानी फसल है, समझ गए? चाय जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण बागानी फसल है। यह दक्षिणी चीन के यूनान पठार का मूल पौधा है। चाय दक्षिणी चीन के यूनान पठार का मूल पौधा है। ठीक है, चाय उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसको जो है हवा में मत लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैंने आपको सरल तरीके में बताया है। ठीक है, एक एक लाइन लिख करके। ठीक है, तो चाय उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। ठीक है, चाय के पौधों के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान का टेम्परेचर के बारे में बताया जा रहा है कि चाय के पौधों के लिए जो है 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, केवल इतना ही तापमान होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो चाय के पौधे सही से चल नहीं पाएंगे और चाय उत्पादित नहीं हो पाएगा सही से। ठीक है, तो चाय के पौधों के लिए जो है तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का ही होना चाहिए। ठीक है, इतने की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बात करें तो इसके लिए जो है, मतलब चाय के पौधों के लिए जो है 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा, समझ गए, 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा तथा ढलाव युक्त पहाड़ी आदर्श परिस्थितियां होती हैं। ठीक है, मतलब ढलाव युक्त पहाड़ियां होनी। भारत में चाय की दो प्रमुख किस्में हैं, याद कर लेना, भारत में जो है चाय की दो प्रमुख किस्में हैं। पहला किस्म है बोहिया या चीनी, ठीक है, बोहिया और चाइनीज, और दूसरा जो है वो असामिका या असमी है, मतलब असामिका कहते हैं या फिर कह दीजिए असमी, मतलब समझ गए, पहला जो है बोहिया कहिए या फिर चीनी कहिए, दोनों एक ही नेम है, मतलब अलग अलग नामों से जाने जाते हैं बस। ठीक है, तो बोहिया या चीनी एवं असामिका या असमी, ठीक है, तो दो किस्म है चाय के, भारत की में चाय की दो प्रमुख किस्में हैं। ठीक है, दोनों के नाम याद रखिएगा। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, याद कर लीजिए, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। वर्ष 2017 से 18 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। ठीक है, 17-18 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बताया जा रहा है ये। ठीक है, अगर 17-18 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बात किया जाए भारत का
भारत के किस राज्य में मतलब कि चाय सबसे ज्यादा उत्पादित हुई है, तो वो 17 से 18 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार असम राज्य पाया गया कि असम राज्य जो है भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। ठीक है, आगे बात करें तो भारत में प्रमुख चाय उत्पादक राज्य जो है असम नंबर एक पर है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, फिर केरल तथा कर्नाटक है। फिर ध्यान दीजिएगा कि चाय के उत्पादन तथा उपभोग में, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, मतलब भारत में प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन कौन से राज्य हैं जिन राज्यों में चाय उत्पादित किया जाता है, तो असम पाया गया, पश्चिम बंगाल में चाय उत्पादित किया जाता है, तमिलनाडु में, केरल में तथा कर्नाटक में। ये जो है छह राज्य ऐसे हैं, ये छह स्टेट ऐसे हैं जहां पर भारत में जो है प्रमुख चाय उत्पादित किया जाता है। ठीक है, चाय के उत्पादन तथा उपभोग में, ठीक है याद रखिएगा, चाय के उत्पादन तथा उपभोग में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। ठीक है, मतलब चीन पहले नंबर पे है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष चाय, ठीक है याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष चाय खपत के संदर्भ में पराग्वे शीर्ष देश है। ठीक है, पराग्वे शीर्ष देश है तथा उरुग्वे एवं अर्जेंटीना क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है। ठीक है, वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार, याद कर लेना, वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में, पूरे संसार में चाय उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। ठीक है, चीन का प्रथम स्थान है और इसके पश्चात भारत का द्वितीय स्थान है। ठीक है, चाय उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है, विश्व में चाय के उत्पादन में तीसरे स्थान पर केन्या है, विश्व में चाय के उत्पादन में चौथे स्थान पर श्रीलंका है और विश्व में चाय उत्पादन के या चाय उत्पादन में पांचवे स्थान पर वियतनाम है। ठीक है, ये सारे पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के शीर्ष निर्यातक देशों में, 2018 के आंकड़ों के अनुसार बताया जा रहा है। ठीक है, मतलब विश्व के शीर्ष निर्यातक देशों में, ठीक है कि कौन कौन से देश निर्यात करते हैं। ठीक है, तो केन्या है, फिर चीन है, फिर श्रीलंका है और चौथे नंबर पे भारत। ठीक है, बात करें रबर के बारे में, अब रबर के बारे में बात होगी। ठीक है, याद रखिएगा, तो रबर के पौधों के लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है, याद कर लीजिए, रबर के पौधों के लिए गर्म एवं नम, ठीक है, गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसके लिए मतलब रबर के पौधों के लिए कितना तापमान की आवश्यकता होती है कि मतलब रबर के पौधे चल सकें। ठीक है, तो वो बताया जा रहा है कि रबर के पौधों के लिए जो है 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान एवं लगभग 300 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और बता दें भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। कौन सा राज्य है भारत का जो जहां पर सबसे ज्यादा रबर उत्पादित किया जाता है, तो वो राज्य है केरल राज्य है। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा जो है रबर उत्पादित किया जाता है, तो वो राज्य है केरल। वर्ष 2012 से 13 के आंकड़ों के अनुसार, याद कर लीजिए 12 से 13 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, यहां देश के कुल रबर उत्पादन का लगभग 87.56%, मतलब 87.56% जो है भाग उत्पादित किया जाता है। ठीक है, और वर्तमान में देखा जाए तो केरल का रबर उत्पादन राष्ट्रीय हिस्सा घटकर
69.66% रह गया है, मतलब 69.66% रह गया है। अब बात करें तो एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड एवं कोल्लम, ठीक है, कोट्टायम, कोझिकोड एवं कोल्लम और एर्नाकुलम, ये चार ऐसे ज़िले हैं, ठीक है, जहां पर रबर उत्पादित किया जाता है, वो हैं केरल के ज़िले, ठीक है। तो एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड एवं कोल्लम केरल के प्रमुख रबर उत्पादक ज़िले हैं, ठीक है। इन ज़िलों में रबर उत्पादित किया जाता है। और आगे बात करें तो भारत के प्राकृतिक रबर उत्पादन में शीर्ष राज्यों में केरल, फिर त्रिपुरा, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु और पांचवें नंबर पे असम है, ठीक है। ये भारत के प्राकृतिक रबर उत्पादन में शीर्ष राज्य हैं, ठीक है, इनको तैयार कर लीजिए। भारतीय रबर बोर्ड के अनुसार वर्ष 2017 में प्राकृतिक रबर उत्पादन में विश्व में, ठीक है, संसार में भारत का स्थान छठा एवं उपभोग में दूसरा है, ठीक है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन, याद कर लीजिए, विश्व में प्राकृतिक रबर का, कौन से रबर का, प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन थाईलैंड में होता है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको इम्पॉर्टेंट लगी हो, ठीक है, तो लाइक कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इतना आप तैयार करे रहिएगा।